नमस्कार जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड मुख्य सचिव संधू ने चारधाम को लेकर की बैठक। यात्रा को लेकर मार्गों में बढ़ाई जाए स्वास्थ्य सुविधाएं। 55 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं की हो जाँच। मंत्री गणेश जोशी ने ट्यूबवेल का किया शिलान्यास। लंबे समय से चल रहा पानी की समस्या से लोगों को मिलेगी राहत। निजी जमीन देने पर मंत्री ने जताया आभार। त्योहारों पर मिलावटी खोरों की नहीं खैर। नमूनों का संग्रहण कर और जांच में तेजी लाने के निर्देश। होली पर अभी तक 199 नमूनों के लिए सैंपल। परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर कसी कमर। यात्रा में चलने वाले वाहनों के मानकों की होगी जांच। यात्रियों को ट्रिप कार्ड बनवाना जरूरी। होली से पूर्व उत्तराखंड के बाजार सजे रंगों से। जोशीमठ का मार्केट ग्राहकों की कर रहा इंतजार। भूदसाव के चलते बाजार पड़ा फीका। दुकानदारों को नहीं हो रही बिक्री। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूर्णागिरी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई दिल्ली मथुरा और लखनऊ आदि से टनकपुर के लिए पर्याप्त संख्या में रेल गाड़ियों का संचालन किए जाने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड राज्य के जनपद चंपावत अंतर्गत टनकपुर में अव्यवस्थित पूर्णागिरी शक्तिपीठ में चैत्र नवरात्रि से आगामी 3 माह तक प्रतिवर्ष पूर्णागिरी मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह मेला दिनांक 9 मार्च से 9 जून तक आयोजित होगा। रेलवे द्वारा मेला अवधि के दौरान देश के विभिन्न स्थानों से टनकपुर हेतु अतिरिक्त रेला सेवाएं प्रदान की जाती रही है, किंतु यह देखने में आया है कि प्रतिवर्ष मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु इस वर्ष और अधिक संख्या में रेल सेवाएं प्रदान करना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने इसे दृष्टिगत रखते हुए देश के विभिन्न स्थानों मुख्यतः नई दिल्ली मथुरा और लखनऊ आदि से टनकपुर हेतु रेल सेवाएं बढ़ाने का रेल मंत्री से अनुरोध किया है। उत्तराखंड में होली पर रोडवेज कर्मचारियों को तोहफा मिलने वाला है। ड्यूटी करने वाले 5,000 रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। योजना 4 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेगी। इस दौरान बिना अवकाश लिए निर्धारित लक्ष्य तक वाहन चलाने वालों को निगम 1250 से 1500 रुपए प्रोत्साहन भत्ता देगा। चालक परिचालक कार्यशाला के तकनीकी कर्मियों आउटसोर्स कर्मियों काउंटर पर बुकिंग करने वाले लिपिकों पास आदि बनाने वाले लिपिकों को अधिक ड्यूटी के लिए प्रोत्साहित करने को यह योजना शुरू की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, इस बार होली पर रोडवेज कर्मचारियों को तोहफा मिलने वाला है, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, तुझे मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार उत्तराखंड में होली के दौरान ड्यूटी करने वाले 5,000 रोडवेज कर्मचारियों को एक प्रोत्साहन भत्ता मिलने वाला है और इसमें पुलिस भी शामिल हो गई है। यह योजना अधिकारियों उप अधिकारियों पर लागू लेकिन नहीं होगी। वहीं अगर 11 दिन की अवधि में की बात की जाए तो 11 दिन की अवधि में नियमित चालक परिचालक और तकनीकी कर्मचारी का साप्ताहिक अवकाश जो पड़ता है तो भत्ता योजना खत्म होने के बाद इन अवकाश को दे दिया जाएगा। वही मैं बता रहा हूँ कि होली पर जो रोडवेज बसों में यात्रियों की काफी भीड़ हो जाती है उसी को देखते हुए परिवहन निगम ने अपने करीब 5,000 कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना जारी किया है। यह योजना 4 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेगी। इस योजना के दौरान बिना अवकाश लिए निर्धारित लक्ष्य तक वाहन चलाने वाले को निगम 1250 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक प्रोत्साहन भत्ता देगा। इसलिए दिया जा रहा है ताकि होली के समय में जो लोग अपनी अपनी छुट्टियों पर अपने अपने छुट्टियों पर घर जाते हैं या इधर उधर आवाजाही करते हैं तो उसमें क्या होता है परिवहन विभाग की ओर से कोई परेशानी ना हो, बसों का यातायात संचालन बाधित ना हो, सही तरीके से यातायात संचालन हो, लोग सही तरीके से आवागमन कर सकें, उसी को देखते हुए छुट्टियां ना लें, कर्मचारी लोग छुट्टी न लें, इसलिए ये ऐसी योजनाएं बनाई गई है जिसके द्वारा लोग कर्मचारियों को
बोनस भत्ता दिया जाएगा और कर्मचारी ठीक ढंग से अपने काम को लेंगे, बिना छुट्टी किए हुए होली के भी दिन अपने काम कर सकेंगे। यह योजना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी योजना है और यह एक बहुत अच्छा पहल भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार हर बार देखा जा रहा था कि होली के समय में भीड़ काफी बढ़ जाती थी, रोडवेज पर काफी भार पड़ जाता था और कई रोडवेज के कर्मचारी छुट्टी लेकर चले जाते थे, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन परेशानियों से बचने के लिए ही यह योजना लागू की गई है, यह लागू किया गया है, जिसका प्रभाव लोग, अगर लोगों की बात करें तो लोग इससे काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि उस परिवहन विभाग के द्वारा यह जो किया जा रहा है, यह जो किया जा रहा है, यह काफी अपने आप में एक अच्छा पहल है जिसका लाभ सभी यात्रियों को मिलने जा रहा है। वहीं कई यात्री पहाड़ पर भी यात्रा करते हैं, जो उत्तरकाशी हो गए, चमोली हो गए, रुद्रप्रयाग हो गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ हो गया, तो वहीं पर बसों की संख्या में काफी कमी हो जाती थी होली के दिन, लेकिन अभी तक तो वैसी कोई खबरें नहीं आ रही है कि रोडवेज कर्मचारी छुट्टियां मार रहे हैं, ऐसी बात नहीं आ रही है, छुट्टी सभी को यह है, सभी कर्मचारी यह चाह रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर ले लिया जाए या उप चालक ले लिया जाए, कंडक्टर जिसे कहा जाए उससे ले लिया जाए, सभी कोई अब ड्यूटी करने के लिए तत्पर हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि होली का खर्च जो होता है वो खर्च जरूर कहीं ना कहीं सरकार जो यह योजना लागू की गई है, सरकार का यह पहला इससे यह निकल जाएगा, तो अपने आप में एक सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा। जी सर, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद यशराज। उत्तराखंड मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने सचिवालय में चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण किए जाने के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए चारधाम यात्रा मार्गों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान ही मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी भी ले ली जाए। इसके साथ ही यात्रा के दौरान 55 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य की जाँच की जाए। इससे कम आयु के लोगों को जो देखने में अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं उनका भी मेडिकल चेकअप किया जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद से लगातार यात्रियों को चारधाम यात्रा के दौरान आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी और क्या करे क्या ना करे का कॉल मैसेज, ऑडियो मैसेज आदि के माध्यम से जानकारियां उपलब्ध कराई जाए। उत्तराखंड में 4 PCCS अधिकारियों के शासन ने तबादले किए। कृष्ण कुमार मिश्र ADM देहरादून से बनाए गए, ADM टिहरी, शालिनी नेगी परीक्षा नियंत्रक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उप जिलाधिकारी देहरादून, रामजी शरण शर्मा अपर जिलाधिकारी टिहरी से अपर जिलाधिकारी देहरादून, हिमांशु कफलटिया को उप जिलाधिकारी चमोली से परीक्षा नियंत्रक उत्तराखंड, उत्तराखंड शासन ने विधिवत आदेश जारी किए हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत। SN पंत, उत्तराखंड में 4 PCS अधिकारियों के शासन के तबादले किए गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, 4 PCS अधिकारियों के शासन में तबादले किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण कुमार मिश्र, जो ADM देहरादून से बनाए गए हैं ADM टिहरी, यानी इनकी जिम्मेदारी अब टिहरी ADM के पद पर तैनात कर दी गई है। शालिनी नेगी, जो परीक्षा नियंत्रक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से थी, उनको देहरादून का उप जिलाधिकारी यानी SDM बनाया गया है। रामजी शरण शर्मा अपर जिलाधिकारी टिहरी में वर्तमान तैनाती थी, लेकिन उनको अब वहां से हटा करके अपर जिलाधिकारी देहरादून भेज दिया गया है। इसके अलावा हिमांशु कपलटिया को उप जिलाधिकारी चमोली से परीक्षा नियंत्रक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया गया है। यानी जो सबसे बड़ा फैसला है वो हिमांशु कपलटिया को उप जिलाधिकारी चमोली से परीक्षा नियंत्रक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया गया है, क्योंकि ये वही UK SSC है जहां पर भ्रष्टाचार पर मजबूत कार्रवाई करते हुए UK SSC SSC में एक के बाद एक गिरफ्तारियां यहां पर की थी STF ने, और वहां परीक्षा नियंत्रक को लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। अब वहां पर नए परीक्षा नियंत्रक को भेजा गया है ताकि पारदर्शिता नए परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में आ सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहते हैं और इसी कड़ी में इन ट्रांसफरों को देखा जा रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद असंत पंत। खबर
देहरादून से है, जहां राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर निगम का दौरा किया। संबंधित अधिकारियों के साथ योगेश भट्ट ने बैठक की। बैठक में नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी मौजूद थे। नगर निगम से बेहतर तालमेल स्थापित करने को लेकर यह दौरा था। उत्तराखंड के संभागीय परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पुख्ता करना शुरू कर दिया है। आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर इस बार चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा मार्गों पर चलने वाले वाहन तय मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। इसके साथ ही इस बार कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सर्वनाम इसके साथ ही कमर्शियल वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी ट्रिप कार्ड बनाना जरूरी है। आगामी अप्रैल माह से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर शैलेश तिवारी समय समय पर अधिकारियों के साथ तमाम बैठकें कर रहे हैं, ताकि यात्रा सुचारू हो और दूरदराज से आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए आरटीओ शैलेश तिवारी लगातार तत्परता से कार्य कर रहे हैं। यात्रा में गाड़ियों की व्यवस्था का होता है, तो गाड़ियां हमारी जो हरिद्वार से और ऋषिकेश से रोटेशन के माध्यम से चलती हैं, वो रोटेशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम उनसे बात भी कर रहे हैं, जो ऑपरेटर होते हैं बसों के, टैक्सी मैक्सी वाले लोगों से भी बात हमारी हुई है। साथ ही साथ इसके लिए हमारे चेक पोस्ट बन रहे हैं ऋषिकेश में, जो भी चारधाम यात्रा के रूट हैं उसमें हम लोग चेक पोस्ट स्थापित कर रहे हैं। चेक पोस्ट में हम लोग उनके वाहनों को भी चेक करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट को भी चेक करते हैं हम लोग। साथ ही साथ जो ग्रीन कार्ड, जो भी कमर्शियल व्हीकल यात्रा पे जाती है उसके लिए ग्रीन कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर वो गाड़ी आगे जा नहीं सकती। साथ ही साथ ग्रीन कार्ड के अलावा हमारे यहाँ ट्रिप कार्ड की भी व्यवस्था है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कुलगंगा कॉलोनी नया गांव में पानी की समस्या को देखते हुए ट्यूबवेल का शिलान्यास किया। इस क्षेत्र के लोग विगत कई वक्त से पानी की समस्या से जूझ रहे थे। बेहतर जल सुविधाएं न होने के कारण कई बार शासन प्रशासन को भी लोगों द्वारा अवगत करवाया गया था, तो वहीं अब ट्यूबवेल के शिलान्यास से स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर नजर आ रही है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस क्षेत्र की समस्या को देखते हुए ट्यूबवेल तो सरकार द्वारा पहले से ही सेक्शन करवा दिया गया था, लेकिन जगह न मिल पाने के कारण ट्यूबवेल के निर्माण कार्य में व्यवधान पैदा हो रहा था, जिसके चलते ट्यूबवेल के निर्माण कार्य हेतु स्थानीय निवासियों में से ही किसी ने अपनी निजी जमीन देकर ट्यूबवेल के कार्य को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन सभी का आभार भी व्यक्त किया। इसके साथ ही मंत्री जोशी ने कहा कि इससे ट्यूबवेल के निर्माण कार्य के खत्म होने के बाद जो परेशानी लोगों को हो रही थी उससे उन्हें राहत मिल सकेगी। और जब से मैं यहाँ का विधायक बना, यहाँ की ग्राम प्रधान ज्योति उससे हुआ करती थी, तब से लगातार यहाँ पर एक डिमांड थी कि यहाँ पर ट्यूबवेल लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पानी आता है उस पानी से दाल नहीं गलती थी। इसके लिए मैं लगातार प्रयास करते, ट्यूबवेल तो हमने पूर्व में सेंक्शन करा दिया था, लेकिन जगह न मिलने के कारण ये नहीं लग पा रहा था। आज ज्योति व गाँव वालों के प्रयास से यहाँ पर एक किसी व्यक्ति ने दो विश्वास, गोपाल प्रधान जी ने, लोग किसी को 2 रुपए नहीं देते, उन्होंने 2 विश्वास जमीन निःशुल्क जो है इस ट्यूबवेल के लिए दी है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और इसके लगने के बाद इस क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान होगा, लोगों को राहत मिलेगी। आज यहाँ के लोगों को एक वसंतोत्सव या शुरुआत हो रही है, वसंतोत्सव पर एक बहुत बड़ा तोहफा आज यहाँ मिल रहा है। इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। SMS Medical College to prepare it for the future. Our own dynamic and visionary principal and controller SMS Medical College and attached hospital to please deliver the welcome address. चिकित्सालय महाविद्यालय के 75 साल के गौरवपूर्ण इतिहास से
हम सभी को रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव द ऑनर टू इनवाइट द अमेजिंग ऑथर, द स्किलफुल पोस्टमैन, द डैशिंग डांसर, द केयरिंग कार्डियोलॉजिस्ट, आदरणीय व लोकप्रिय जननायक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रिय स्वास्थ्य मंत्री माननीय प्रसादी लाल जी जीरा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री टी रविकांत जी, राजस्थान स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉक्टर श्री बधाई जी, अन्य विशिष्ट जन देश विदेश से पधारे, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय की गौरवशाली यात्रा के सहभागी, सम्माननीय गुरुजन, प्रिय छात्र व इस परिवार के साथी, आप सभी का मैं इस प्रतिष्ठित समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। 1947 में जब हमारे राष्ट्र ने उन्मुक्त वातावरण में पहली बार सांस ली, ठीक उसी वर्ष इस कॉलेज की नींव रखी गई। उस शुभ क्षण में उपजा हुआ यह पौधा एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होकर स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवा की सतत धारा प्रवाहित कर रहा है, और साथ ही इसने हमारे प्रबुद्ध गुरुजनों द्वारा रिसर्च और एकेडमिक्स के नए आयाम स्थापित किए हैं। दो कमरों में यादगार के हॉस्टल से शुरू होकर यह कॉलेज एवं हॉस्पिटल आज एक अकल्पनीय मुकाम पर जा रहा है। इसमें उन असंख्य रोगियों की कहीं ना कहीं शुभकामनाएं वे आशीर्वाद भी है जो इस चिकित्सालय में लाभान्वित हुए हैं। आज हमारे यहाँ 44 डिपार्टमेंट्स में 700 पोस्ट ग्रेजुएट्स, 93 डीएम स्टूडेंट्स और 250 के करीब अंडर ग्रेजुएट शिक्षारत हैं। इसके अलावा इतने विशाल समुदाय को समुचित सुविधा को प्रदान करते हुए एक अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने मुहिम उठाई है। ऐसे ही ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। खबर बहदराबाद से है, जहां ब्लॉक बहदराबाद के सभागार में नवनिर्वाचित उपग्राम प्रधानों को खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर खंड विकास से चुने गए 60 उपग्राम प्रधान उपस्थित रहे, जबकि खंड विकास में कुल 80 उपग्राम प्रधान है। विकास खंड अधिकारी ने कहा कि जो चुने हुए 19 उपग्राम प्रधान उपस्थित नहीं हुए हैं, उन्हें वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाई जाएगी। आज दिनांक 3 मार्च को यहाँ पर विकासखंड सभागार भादराबाद में हमने सभी 80 ग्राम पंचायतों के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें सभी जो हमारे नवनिर्वाचित उप प्रधान थे उनको शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और सभी को अपने जो कर्तव्य हैं उप प्रधान के रूप में उसके बारे में संक्षेप उनको विवरण बताया गया कि वो प्रधान जो हमारे पूर्व में चुने गए हैं उनका सहयोग भी करेंगे, और जो अपने क्षेत्र में जो अपने ग्राम पंचायत में जो भी समस्याएं उनको आ रही हैं वो अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से और सीधा विकासखंड में भी आकर अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, जिससे कि गांव का विकास हो। जोशीमठ के ब्लॉक सभागार में हर बार की तरह इस बार भी एक बीटीसी बैठक का आयोजन किया गया, जिस बीटीसी बैठक में करीबन 58 ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भी शामिल रहे। आपको बता दें कि इस बीटीसी बैठक में खासकर कई विभाग के आला अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक के दौरान पीएमजीएसवाई और जल संस्थान लोक निर्माण विभाग को इस बीटीसी बैठक में खूब फटकार भी सुनने को मिला। वहीं बड़ागांव ग्राम सभा की ग्राम प्रधान विमला भंडारी ने अपने गांव बड़ागांव में 3 किलोमीटर की दूरी पर पयाचौरमी गांव के मुख्य सड़क के बारे में अपनी समस्या भी रखी। बीटीसी बैठक में रखी उन्होंने कहा कि पयाचौरमी गांव में आज तक सड़क जैसी सुविधा नहीं पहुंच पाई है, और कहा कि वहां के लोग आज भी कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करते हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने कई बार उस गांव की समस्या शासन और प्रशासन को भी अवगत करवा दिया है, लेकिन कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। और इससे पहले 21 फरवरी को बीडीसी बैठक होनी थी हमारी, जो उस दिन जिला स्तरीय अधिकारियों के आने से उस बैठक को जनप्रतिनिधियों ने उसका बाइकॉट किया। आज उसी के एवज में फिर से बीडीसी बैठक रखी गई, लगभग सभी विभाग उपस्थित रहे, कुछ एक विभाग उपस्थित नहीं थे उन पर कार्रवाई की जाएगी,
और उनको कड़ी चेतावनी दी गई कि भाई वो आगे से इस प्रकार की लापरवाही नहीं करेंगे। बैठक हुई, इसमें कुछ विभाग उपस्थित रहे लेकिन कुछ विभाग अभी भी अनुपस्थित रहे, जैसे कि आज विद्युत विभाग और THDC, NTPC और अन्य कई विभाग अनुपस्थित रहे, वन विभाग अनुपस्थित रहे, लेकिन जो मुख्य विभाग आज जो सदन में चर्चाओं में रहा वो आज PMGSY और PWD और जल निगम और जल संस्थान मुख्य रूप से प्रतिनिधियों ने उनको बोला। और जल जीवन मिशन जो एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे आज वर्तमान समय बन चुकी है, सारे प्रतिनिधियों ने यही कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत किसी पंचायत में कोई भी कार्य संतोषजनक नहीं। जोशीमठ मुख्य बाजार पूरी तरह से होली के रंगों से सजा हुआ है, लेकिन मुख्य बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा भी पसरा हुआ है। जी हम बात कर रहे हैं जोशीमठ मुख्य बाजार की, जिस जोशीमठ मुख्य बाजार में होली से संबंधित दुकानें पूरी तरह से सज सज चुकी हैं। आपको बता दें कि पहली बार जोशीमठ मुख्य बाजार में इस तरह से देखने को मिल रहा है कि जोशीमठ मुख्य बाजार में दूर दूर तक होली के रंग बिरंगे दुकानें सूनी भी दिखाई दे रही है। कारण है जोशीमठ भूदशाव के चलते, जिसका असर सीधा सीधा जोशीमठ मुख्य बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने हजारों रुपयों का रंग बिरंगे रंग अपने दुकानों में सजाए हैं, लेकिन दुकानों में सुबह से लेकर शाम तक एक भी खरीदार करने वाला नजर नहीं आ रहा। और आप देख रहे होंगे कि जोशीमठ में जब से आपदा आई है बाजार की रौनक गायब हो रखी है। इस बार पूरा बाजार सज चुका है और 5 दिन केवल होली के रह चुके हैं, अभी तक बाजार में कोई रौनक नहीं आई। जो व्यापारी यहाँ पर हताश और निराश हो रखे हैं, अब उनको ये परेशानी उत्पन्न होने लग गई है कि जो माल लेकर आ रखे हैं हम, अब और व्यापारियों का पैसा कहाँ से हम वापस लौटे। मुख्य बाजार में होली का 2-3 दिन रह गए हैं और बाजार एकदम ठप है। हम तो हजारों का रंग ला रखे हैं, उस रंग में भी कोई अभी कुछ बिकी नहीं रहा है। ये सारा आपदा दरारों के कारण जो है इस समय लोग यहाँ पे 60% लोग ऐसे भी लोग यहाँ पे प्रभावित हो गए हैं ही नहीं, और बाजार में अभी रंग का कोई वो। जोशीमठ के सीमांत घाटी का एक ऐसा दूरस्थ गांव माना जाता है जिस गांव का नाम जुवागवाड़ है। आपको बता दें कि जिस जुवागवाड़ गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। आपको बता दें कि बीते आपदा को 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और उसी आपदा में जुवागवाड़ गांव तक जाने वाला मुख्य पुल त्रासदी की भेंट चढ़ गया था। तब से यहाँ के स्थानीय ग्रामीण आज भी ट्रॉली के सहारे अपने गंतव्य तक जाने के लिए मजबूर है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की माने तो उन्होंने अपने गांव के मुख्य पुल के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करवा दिया था, लेकिन आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उस समय ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज भी जुवागवाड़ गांव के स्थानीय ग्रामीण जान हथेली पर रख करके आवाजाही करते हैं। तीसरा साल चलने वाले हैं और जो जुवागवाड़ पुल है वो हमने कई बार संसद को ज्ञापन दिया है। अभी उनका कहना है कि अभी टेंडर नहीं पड़ा, किसी का कहना है कि अभी रुड़की द्वारा जो टीम आई थी उनकी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ दुर्भाग्य है जो हमारे शासन प्रशासन बन बैठी है, क्योंकि वहाँ पे जो 2 ट्रॉली लगी है, एक ट्रॉली तो पूर्ण रूप से चलती है जो खींचने वाली है, दूसरी जो मशीन वाली चलती है इनकी, वो इसमें कभी इनकी उनको तेल नहीं मिलता है। क्या जो इनका ट्रॉली है क्या सरकार द्वारा या PWD द्वारा कि इनको तेल नहीं दिया जाता है। उत्तराखंड में हर साल त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, जिसमें बड़े स्तर पर मिलावट के मामले सामने आते हैं। मुख्य रूप से देहरादून, हरिद्वार, US नगर और नैनीताल में ही मामले पकड़ में आते हैं। राज्य में मिलावटी दूध, दही, पनीर आदि मिलावटी सामान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आने के मामले पकड़े जाते हैं। कई बार यह बसों और प्राइवेट मिल्क वाहनों से पकड़ा जा चुका है। अधिकारियों की टीम गठित कर बाह्य देशों से आपूर्ति हो रही खाद्य सामग्री जैसे दूध, मावा, तेल, मसाले, नमकीन आदि के विशेष रूप से नमूना संग्रह करने के निर्देश दिए गए हैं। संदेहास्पद खाद्य सामग्री के नमूनों का संग्रहण और जांच में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। राज्य में होली के पर्व के मद्देनजर संचालित विशेष अभियान में अभी तक 199 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। इस बार हम लोग काफ़ी हम लोगों ने पहले से ही काफ़ी प्लानिंग की हुई है और इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी हमने हेल्प ली है, और जो हमने इस बार ढांचा बनाया है वो फिनेंस डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, इन सब के साथ हमने अपना प्लान शेयर किया है। और
इसका पूरा जो ढांचा है मुख्य सचिव महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद फिर इसमें फाइनल निर्णय जैसे इनका आदेश होगा तो हम लोग उस हिसाब से फाइनल। देखिए प्रदेश के अंदर जो हमारा जो प्रयास है एफडीए का कि हम राज्य की सीमाओं से लेकर के प्रदेश के अंदर जितने भी बाजार हैं सभी जगह जो है निरीक्षण और सैंपलिंग की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल ड्राइव चल रहा है और अभी तक 199 सैंपल लिए गए हैं और इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जो है एक्ट के तहत जो नोटिस जारी किए गए हैं और कोशिश ये है कि हम इस बार हम जो है जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर के जो फुटकर विक्रेता हैं उन सभी के यहाँ जो है हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांच करेंगे और उनके खिलाफ अगर डिफॉल्टर्स हैं अगर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो कार्रवाई करें। काशीपुर पुलिस ने अफीम के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिसका खुलासा अपने कार्यालय में एसपी अभय सिंह ने किया। जामा तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 900 ग्राम अफीम बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इसमें ये सतविंदर सिंह के बारे में सूचना मिल रही थी कि ये सक्रिय है नशे के कारोबार में। इसी संबंध में कल जो प्रतापपुर चौकी प्रभारी को सूचना मिली थी और जब इन्होंने इसको रोक करके इसकी तलाशी करवाई तो इसके पास 900 ग्राम अफीम मिली है। इनके ऊपर एनडीपीएस की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रहे हैं। आज इसे माननीय न्यायालय में पेश किया। रुड़की के अंबर तालाब में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर शाम एक युवक को गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरा मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का जहां सालियर निवासी एक युवक किसी काम से आया था जिसके बाद किसी अज्ञात बदमाश ने मुस्तकीम को गोली मार दी जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं घायल की स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घायल ने बताया कि उसकी किसी युवक से काफी समय से रंजिश चली आ रही थी, उसी के चलते वह उसे गोली मारकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सीओ रुड़की का कहना है कि वह गोली रंजिशन मारी गई और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। जान से मारने की धमकी दे रखी थी एक दो बार पहले भी हमला हुआ। आज क्या हुआ आपके साथ? आज मैं बाजार में घूमने के लिए गया हुआ था, भाई आए हुए थे देहरादून से ही, तो बाजार में मिला तो फायर गोली मार रहे। गोली कौन है वो जिसने गोली मारी? वो कुआने के रहने वाले हैं, राशिद नाम है उसका। क्या पुरानी रंजिश के चलते हुआ? 8-10-12 लड़के लेके रोज घूमता फिर रहा था। ये सालेर का रहने वाला, इनका कुछ आपसी झगड़ा था कुछ लड़कों का, तो उसको गोली लगी है। अभी इसको जिन्होंने गोली मारने वाले जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लेन देन का मामला अभी बताया जा रहा है, प्रथम दृष्टिया जो प्रकाश में है। बाकी इस लड़के का उपचार हो जाने के बाद